ओके हाय एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एच सी वर्मा और फिर इस पे कुछ वेरिएशंस की भी बात करेंगे कि किस तरह के वेरिएशन करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रॉब्लम. सो लेट्स सी, ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा एंड केप्ट एंड लेंथ एल केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी. फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन. सो यहाँ टॉप से रिलीज किया गया है इस ब्लॉक को, यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज गिवन टू बी एल. सो ये लेंथ एल दे रखी है एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग अप विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी राइट इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो हमें ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये लेंथ एल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक. सो देखो ये ब्लॉक है, इसमें एक इसका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज एम जी, और फर्दर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस. ये अगर एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा. नाउ यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ एम जी. हम यू नो एम जी के कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी नीड फोर्सेस वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, यू नो पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस देर इज रिस्ट्रिक्शन इन मोशन. Perpendicular to the inclined surface, there will not be any acceleration, no movement. So acceleration उस direction में zero होगा. So only possible direction for acceleration is parallel to the inclined surface. Therefore we are you know taking the component of mg. So ये angle आपको पता है कितना होगा, theta. Simple geometry, mg cos theta downward or mg sin theta इस direction में. So mg sin theta. So you can easily find out the acceleration of this block. देखो इस direction में कोई acceleration नहीं आएगा, perpendicular to the inclined surface. So normal का value आप equate कर सकते हो एम जी कॉस थीटा से, राइट. नेट फोर्स विल बी जीरो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास. सो नेट फोर्स इन पैरेलल टू द इंक्लाइन दैट इज एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय द मास विच इज जी साइन थीटा. सो एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा. फाइन. सो अब हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा. सो विच इक्वेशन वी कैन यूज, इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s is equal to ut plus half of at square. So if initial velocity is zero, so ut will become zero, half of acceleration ka value kitna ho jayega, g sin theta, aur yahan se t square, aur s ki jagah kya put karna hai, l. So yahan se time nikal jayega, time will be equal to 2l upon g sin theta ka root. So this is the value of time, jo ki hume nikalna tha. Itne time mein block upar se niche tak pahunch jayega. So ye kafi simple tha, because this was a example of inertial frame. अगर समथिंग यू नो लिफ्ट इज मूविंग विद एन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऊपर या नीचे की तरफ, देन इट्स एन इनर्शियल फ्रेम. अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता, मान लो अगर ये कहता कि द एलिवेटर इज मूविंग अप विद सम एक्सेलरेशन ए, तो ये प्रॉब्लम यू नो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता. जैसे अगर हम कहें कि जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, और आपने जो ब्लॉक को यू नो ऊपर से फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन सरफेस अगर रिलीज किया, तो कितना टाइम लगेगा उसे बॉटम तक आने में. सो अगेन अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस बार आपके पास दो फ्रेम है. एक तो फ्रेम ऑफ ग्राउंड जो कि इनर्शियल फ्रेम है, वहां से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है, बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन ए, और जैसे ही किसी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन आ जाता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है. सो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एलिवेटर, हम एलिवेटर पे खड़े होकर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो देखो नीचे की तरफ आपको एम जी दिखाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये दो फोर्सेस तो एज इट इज रहेंगे. फर्दर इनके एडिशनल में आपको एक फोर्स और दिखाना पड़ेगा विच इज शूडो फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर अगर इनसाइड दिस एलिवेटर है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम इंटू ए, मास जिसका भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. सो आप देखो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप पुराने वाले यू नो केस से कंपेयर करो, तो वहाँ पे देखो यहाँ पे भी नॉर्मल था और नीचे की तरफ एम जी था, बट इस केस में एम जी प्लस ए आ रहा है. सो सारे रिजल्ट एज इट इज रहेंगे, बस आप जी की जगह जी प्लस ए सब्सटीट्यूट कर दो. तो जैसे मैं बात करूँ यू नो पुराने केस में नॉर्मल का वैल्यू आया था एम जी कॉस थीटा, तो इस केस में कितना आएगा, एम जी प्लस ए कॉस थीटा, राइट. और यू कैन अगेन डेराइव द रिजल्ट, जस्ट टेक द कंपोनेंट ऑफ एम जी प्लस ए. सो इस डायरेक्शन में एम जी प्लस ए का कॉस थीटा है ना, और पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस कितना आएगा, एम
जी प्लस ए का साइन थीटा, राइट। और आप देखो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए कॉस थीटा, एंड एक्सेलरेशन पैरेलल टू दिस इंक्लाइन सरफेस कितना आएगा, जी प्लस ए साइन थीटा, जी की जगह जी प्लस ए आ रहा है। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, एम जी प्लस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास, यू विल गेट जी प्लस ए साइन थीटा। सो टाइम कितना निकल के आएगा, अगेन आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करोगे तो यू जीरो है, तो यू टी जीरो हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से एस का वैल्यू अगेन एल पुट करना है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह आएगा जी प्लस ए इंटू साइन थीटा, राइट, और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, टू एल अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा, पहले जी साइन थीटा आ रहा था, जी प्लस ए साइन थीटा आएगा, राइट। और इसका रूट फाइन, अगर जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ मूव यू नो एक्सेलरेट ना करके नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर वुड हैव बीन नेगेटिव, देन आपको एक ही जगह सिंपली माइनस ए पुट करना है, सारे रिजल्ट एज इट इज रहेंगे। सो जो टाइम आएगा आप फिर से निकाल सकते हो, बट यू नो फॉर द सेविंग ऑफ फॉर द सेक ऑफ टाइम लेट मी जस्ट पुट ए की जगह माइनस ए, सो जी माइनस ए इंटू साइन थीटा, दिस विल बी द टाइम, एंड नॉर्मल विल बी एम जी माइनस ए साइन जी माइनस ए कॉस थीटा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा वैसे अगर आप देखो इसे, क्योंकि अगर आप ए का वैल्यू इक्वल टू जी रख देते हो, ए का वैल्यू जी का रखने का मतलब क्या है कि आप डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो विथ जी, मीन्स आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी, उसे हम फ्री फॉल भी कहते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिंपली यू नो प्रोजेक्ट कर दो तो उस पर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ जी होता है, दैट इज फ्री फॉल। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी है तो व्हाट विल हैपन टू द नॉर्मल एंड टाइम, यू कैन चेक, नॉर्मल जीरो हो जाएगा जी माइनस ए जीरो, एंड टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जी माइनस ए विल बी जीरो, सो वन बाई जीरो विल बी इनफाइनाइट। सो देखो ये थोड़ा सा यू नो अजीब सा केस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, यू कैन इमेजिन टाइम इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है और नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या है, इसका अगर आप फिजिकली फील करो, सो यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा बिकॉज ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव करेगा जी से, और आपका जो एलिवेटर है वो भी जी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये इंक्लाइन जो सरफेस है ये भी जी से डाउनवर्ड मूव करेगा, देयर विल नॉट बी एनी फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन सरफेस। फर्दर ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन नहीं करेगा, ये जिस पोजीशन पे है हमेशा उसी पोजीशन पे रहेगा, दोनों जी से नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे, फ्री फॉल करेंगे अंडर ग्रेविटी, राइट। सो स्लाइड नहीं होगा, स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द ब्लॉक विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। सो आपका जो टाइम है इसीलिए इनफाइनाइट आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ रही है, राइट। और अगर आप इसे ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। देखो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, सो दिस इज यूर ब्लॉक, राइट, केप्ट ऑन दिस इंक्लाइन सरफेस। अगर आप यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको नीचे की तरफ एम जी दिखाना पड़ेगा, राइट, और अगेन ये नॉर्मल होगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो जैसे मैं ग्राउंड से खड़ा होकर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, सो आपके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, एक तो लिफ्ट का जो एलिवेटर है वो ए से ऊपर के मूव ऊपर मूव कर रही है, सो देयर विल बी वन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। फर्दर देयर विल बी वन मोर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, लेट मी कॉल इट ए टू। ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ए टू क्या है, ए टू इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। सो अगेन आप देखो आपके पास सिर्फ दो ही फोर्स होंगे, एक एल और एक एम जी, बिकॉज यू हैव ड्रॉन दिस फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, राइट, बट एक्सेलरेशन दो आ गए। सो अगर हमारे पास दो एक्सेलरेशन है और रैंडम फोर्सेज है तो वट वी कैन डू, देखो आप कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन को ब्रेक कर लो, मान लिया कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम सारे एक्सेलरेशन को और फोर्सेस को ब्रेक कर लेंगे, एंड देन एफ एक्स नेट वी विल राइट, एफ एक्स नेट दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, एंड एफ वाई नेट दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए वाई। ए एक्स क्या है, नेट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली एफ एक्स क्या है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ वाई क्या है, एफ वाई नेट इज द नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, एंड ए वाई इज द नेट नेट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। सो यू नो डायरेक्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट मी टेक दिस डायरेक्शन, है ना,
आपको जो डायरेक्शन अच्छा लगता है ले सकते हो। सो मैं ये डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या किस तरह से होगा, एक ये होगा है ना, और एक ये, इस तरह से मैंने डायरेक्शन चूज कर लिया। नाउ मुझे फोर्सेस को ब्रेक करना है, तो एम जी देखो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो इस डायरेक्शन में आप एम जी कॉस थीटा कंसिडर करो, और इसके पर यू नो पैरेलल टू द इंक्लाइन दैट शुड बी एम जी साइन थीटा। और जब एक्सेलरेशन को ब्रेक करोगे तो ऊपर की तरफ, अगर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा था, सो ये 90 माइनस थीटा होगा राइट, और ये फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अब ये एंगल थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा राइट। सो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ए का कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में मिलेगा ए का साइन थीटा राइट। थोड़ा सा ज्योमेट्री है, आप भी यू नो इजीली निकाल सकते हो। सो देखो फोर्सेस और एक्सेलरेशन को हमने ब्रेक कर लिया। नाउ सिंपली हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, जैसे मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, सो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में राइट। एम जी को हमने कंपोनेंट ले लिए, तो एम जी का आपको यूज नहीं है। एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, एक तो ए टू है और माइनस ए साइन थीटा है। सो एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ए टू माइनस ए साइन थीटा राइट। और सिमिलरली आप लिखोगे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ऊपर की तरफ लेते हैं, तो एन माइनस एम जी का कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए इंटू कॉस थीटा राइट। सो यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, जैसे सेकेंड वाली इक्वेशन से देखो एन का वैल्यू निकल के आ रहा है एम ए प्लस जी इंटू कॉस थीटा। आप पहले भी चेक कर लो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी विद एन एक्सेलरेशन ए, तो वहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू एम ए प्लस जी कॉस थीटा ही आया था है ना। सो सेम आ रहा है राइट। और सिमिलरली ए टू निकालने की कोशिश करते हैं। सो ए टू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो एम तो एम कैंसिल हो जा रहा है, और ए टू का वैल्यू आ रहा है जी साइन थीटा प्लस जी ए साइन थीटा। सो एक्चुअली इट इज़ ए प्लस जी साइन थीटा। अगर आप बैक जाके चेक करो, सो पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस जो एक्सेलरेशन आ रहा था ब्लॉक का, वो यही आ रहा था ए प्लस जी साइन थीटा राइट। और जैसे हम टाइम की बात करें, सो आप देखो ये जो लिफ्ट है ना, ये जो एलिवेटर है जिसमें इंक्लाइन सरफेस रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। ये जो ब्लॉक है ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। सो यहाँ पे देखो ये जो दो एक्सेलरेशन है ना, जैसे हमने ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको याद हो तो ऊपर की तरफ ए दिखाया था और इस डायरेक्शन में ए टू दिखाया था। सो ऑनली ए टू विल हेल्प दिस ब्लॉक राइट, जो ए टू है दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल हेल्प द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन दिस इंक्लाइन सरफेस। जो ए है वो दोनों का कॉमन रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आप देखो ऊपर की तरफ दोनों ए से मूव कर रहे हैं, तो उसका कोई कंपोनेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है, हमें ए टू चाहिए। ए टू इज दैट कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विच विल हेल्प दिस ब्लॉक टू स्लाइड डाउन दिस इंक्लाइन सरफेस। सो इसीलिए आपको सिर्फ ए टू कंसिडर करना है। सो अगेन ए टू का वैल्यू आप देखो ए प्लस जी साइन थीटा आया था जैसे पहले हमने निकाला था। सो अगेन सेम आंसर आएंगे है ना। ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके बाय।